Bismillahirrahmanirrahim, dear students, assalamu alaikum. Today we are going to read the text of third article, bromides and sulfides, and also this is our third discussion on the article. Let's start, my son. पिछली दफा हमने ये बेटा यहाँ तक इसे लिया था. आगे देखते हैं. A single illustration will suffice for analysis. कहते हैं analysis के लिए एक जो मिसाल है, एक illustration जो है वो काफ़ी है. और आपको पता है, ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेड्स ऑफ ब्रोमाइड. व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल ब्रोमाइड्स आर एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्शन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. तो उसने मुख्तलिफ आपको चीज़ें बताई हैं. यू माइट हैव ऑल द थिंग्स इन योर माइंड कि ये डल होते हैं, कॉमन प्लेस हैं और ओरिजिनल थिंकिंग नहीं होती, इस तरह से सारी. तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. वो कह रहा है जी कि हम एक एग्जाम्पल जो है उसको देखते हैं और इसी से पता चल जाएगा कि ये किस तरह के लोग होते हैं. यू हैव हर्ड इट ऑफन इनफ. आपने काफी दफा ये बात सुनी है. फायर अपॉन यू, आप पे ये फायर ना तो. इफ यू हैव सेड इट, अगर आपने ऐसी बात कही है तो. इफ यू सॉ दैट सनसेट, अगर आपने वो जो सूरज गुरूब होने वाला मंजर है वो देखा. पेंटेड इन द पिक्चर, एक पिक्चर के अंदर, एक तस्वीर के अंदर अगर आपने देखा. यू वुड नेवर बिलीव इट वुड बी पॉसिबल. तो आपने कभी बिलीव नहीं था करना कि ऐसा मुमकिन है. आपने उधर पेंटिंग में जो है वो देख ली है, तो अगर आप ना देखते तो ये आपने इस पर बिलीव नहीं था करना. कहते ये दो एक चीज़ें वो हैं जो घिसे पिटे कॉमन प्लेस से सेंटेंसेस हैं जो हर एक बोलता है. और हर एक में वो लोग आते हैं जो कि ब्रोमाइड हैं. कोई भी बात होगी तो उनमें, अगर उन्होंने किसी को बुरा भला कहना है तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, मिलता जुलता. और अगर कोई चीज़ जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवानी हो या मनवानी हो तो वो इस तरह की बात करेंगे, समथिंग लाइक दैट. इट मस्ट बी बोर्न डिस्टिंक्टली इन माइंड. ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए दैट इट इज़ नॉट मेयरली, कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज दिस रिमार्क, कि ये जो रिमार्क है ऊपर इज टाइट, ये डल सा है, ये फीका सा है, दैट इट इज़ ब्रोमैडिक, ये ब्रोमैडिक है. इसलिए कह रहा है कि ये इस वजह से ब्रोमैडिक नहीं है कि ये रूखा फीका सा है और इसके अंदर कोई ओरिजिनलिटी नहीं है या इसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं है. इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है दैट विद द ब्रोमाइड, के ब्रोमाइड के साथ द रिमार्क इज इनविटेबल. ये जो रिमार्क है वो ब्रोमाइड्स के लिए इनविटेबल है, वो बहुत ही ज़रूरी है. वन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम हिम, एक बंदा उससे यही एक्सपेक्ट कर सकता है. एंड वन इज नेवर डिसअपॉइंटेड, और इंसान जो है वो कभी भी मायूस नहीं होता. आप जो उसे एक्सपेक्ट करेंगे ना इस तरह की चीज़ें, तो इसी तरह की करता है. कॉमन प्लेस की चीज़ें, कोई बात उसकी ओरिजिनल नहीं होती, कोई काम, कोई उसकी सेइंग, कोई उसकी बार बार कही हुई कोई बात जो है उसके अंदर कोई चाशनी नहीं होती. उर्दू में कहते हैं ना हम चाशनी. एंड मोर ओवर इट इज़ ऑलवेज ऑफर्ड बाय द ब्रोमाइड एज फ्रेश. और इसके अलावा ये जो बात है, जो भी वो बात कहते हैं, इट इज़ ऑलवेज ऑफर्ड, तो वो पेश कैसे की जाती है बाय द ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की तरफ से एज फ्रेश, कि ये बड़ी फ्रेश है, बिल्कुल न्यू, एप्ट, मुनासिब. एंड रादर क्लेवर थिंग टू से, बल्कि ये भी कि ये बड़ी अच्छी क्लेवर चीज़ है कहने के लिए. ही रियली बिलीव्स, नो डाउट, वो यकीनन इस बात पे बिलीव करता है दैट इट इज़ ओरिजिनल, कि जो उसने बात कही है या जो उसने बात की है वो ओरिजिनल. आपने अक्सर देखा होगा इंसान जो है वो ये समझता है जो उसने बात की है या उसने जो बात समझी है या वो जो बात कर रहा है वो बड़ी ज़बरदस्त बात है और वही ऐसी बात है जो कभी किसी ने कही नहीं. हम सब ऐसे ही करते हैं. इट इज़ एट एनी रेट नीट, और ये किसी भी लिहाज से बिल्कुल नीट, साफ सुथरी, एज ही इंडिकेट्स बाय हिज एविडेंट एक्सप्रेशन. और वो ये भी कहता है कि ये बड़ी साफ है, नीट है, राइट. और ये चीज़ जो है वो किस तरह से हमें पता चलती है, इंडिकेट्स, वो इंडिकेट करता है बाय हिज एविडेंट एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है ऑफ अप्लॉज, तारीफ की. वो ये चाह रहा होता है कि उसकी बात जो उसने की है उसकी तारीफ की जाए.
डायलॉग फॉलोज अपॉन द फिजिकल और मेंटल स्टिमुलस। ये जो रिमार्क है ये फिजिकल के बाद ये मेंटल की तहरीक का बायस बनते हैं, जैसे एज द नाइट द डे, जैसे कि रात जो है वो दिन को असर करती है। ही कैन नॉट देन बी ट्रू टू अदर इम्पल्स, वो किसी और जबिलत के साथ जो है वो ट्रू हो ही नहीं सकता, उसे जब भी करनी है बात वो इसी तरह की करनी है। ओरिजिनलिटी वॉज इनहिबिटेड इन हिम, उसके अंदर ओरिजिनलिटी जो है वो विरासत में आई होती है, विरासत में, उसके अपने पास कुछ नहीं है। ये इरानिकली वो बात कर रहा है कि जो चीज आप किसी से लेते हैं वो कहाँ से ओरिजिनल हो गए, तो वो ये समझता है जी कि ये ओरिजिनलिटी जो है ये तो हमारे खानदान से चली आ रही है जी। कहाँ से चली आ रही है? सिंस द ग्रेट ग्रैंड मदर्स टाइम, वो जो दादी नहीं बल्कि पड़दादी जो है वहां से ये हमारी ओरिजिनलिटी जो है वहां से चली आ रही है, बड़े जो है वो खानदानी ओरिजिनल लोग हैं। ही गॉट द हैबिट, उसे यही आदत होती है इस तरह की बात करने की और इस तरह से बातें करने की। व्हाट देन इज सल्फाइड, अच्छा यहां तक तो हमने देखा कि ये जो है ये ब्रोमाइड हैं, और इसको हम अगर आप समझें बिल्कुल चंद एक वर्ड्स में तो वो वही चीज है जो भी हमने पहले बेटा बात की थी कि ब्रोमाइड्स दे आर इन बल्क, दे आर इन अ ग्रेट नंबर, दे आर कॉमन प्लेस, दे आर कॉमन इन एवरीथिंग, इन देयर हेयर कट, इन देयर ड्रेस, इन देयर थिंकिंग थिंकिंग प्रोसेसेस एंड एक्शंस, वॉट एवर ब्रोमाइड डज ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, वो आम ही लोगों की तरह होता है, आम ही लोगों की तरह जिंदगी गुजारता है, आम ही लोगों की तरह की सोच होती है और आम ही लोगों की तरह वो जिंदगी गुजार रहे, जैसे हम गुजारते हैं, आए और फिर खाया कमाया और फिर चले गए, वो भी ऐसे ही करता है, हम सब ब्रोमाइड हैं। लेकिन सल्फाइड क्या है? What then is a sulfide? Sulfide फिर क्या है? Hey, that is harder to define. Oh, भाई इसको define करना बड़ा मुश्किल काम है। A sulfide is a person. तो एक sulfide जो है, वो क्या है? एक ऐसा शख्स होता है, कौन सा? Who does his own thinking? जो अपनी सोच ही रखता है, जो अपनी सोच करता है, जो खुद से सोचता है। He is a person. वो एक ऐसा आदमी होता है Who has surprises in his sleeves? जिसके पास surprises होते हैं in sleeve, मतलब store में, वो आपको हैरान करता रहता है। आप और हम जो है वो चीजों को आम नजर से देखते हैं, वो किसी खास चीज से देखता है। And he is explosive, एकदम से जैसे वो फट जाता है ना, ऐसी चीज ऐसी बात वो करेगा, हट के करेगा। वन कैन नेवर फोरसी, कोई भी बंदा जो है वो उसके बारे में पेशीन को ही नहीं कर सकता, फोरसी पहले की बात कह देना। वॉट ही विल डू, कि वो क्या करेगा? एक्सेप्ट सॉरी इसके दैट इट विल बी अ डायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी, स्वय इसके के जो कुछ भी वो करता है वो उसकी पर्सनैलिटी का स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन इजहार को कहते हैं, और स्पॉन्टेनियस जो है वो फौरी फौरी जो चीज है, डायरेक्ट और फौरी इजहार होता है। ये हम कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस, एक और भी वर्ड हम यूज करते हैं एक्सटेम्पोर कहते हैं ना, तो एक्सटेम्पोर जो है ना वो वही है, लेकिन ये एक्सटेम्पोर जो है ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है बेटा, ये है एक्सटेम्पोरी, आपने चेक करना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि डिक्शनरी जो है वो जरूर कंसल्ट किया करें, हम लोग जो है वो गलत प्रोनाउंस करते रहते हैं सारी उम्र ही। तो इट इज नॉट एक्सटेम्पोर, इट इज एक्सटेम्पोरी, आगे ई जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा जी, यू कैन नॉट टेल देम बाय द लुक्स, आप लुक्स से उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लुक्स जो उनकी दिखाई देती है, जो खद्दोखाल होते हैं, जो उनका क्या उसे कहना चाहिए, जो बाहर का जो रूप होता है, ठीक है ना, उनको देख के आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सल्फाइड्स कम टुगेदर, सल्फाइड्स जो हैं वो आते हैं किस तरह से, सॉरी इसे आपने ये नहीं समझना कि मैंने काट दी है बल्कि मैंने अंडरलाइन किया है इस तरह से, फिर ऊपर चला गया, सॉरी प्लीज। कम बैक, सल्फाइड्स कम टुगेदर लाइक ड्रॉप्स ऑफ मर्करी, ये जो सल्फाइड्स हैं ये मरकरी
ये जो पारा होता है उसके ड्रॉप्स की तरह आते हैं। मरकरी जो है वो किस तरह का होता है, वो जो है वो कहीं बैठा नहीं रहता, आराम से चैन से नहीं बैठता, ठीक है ना। उसकी ये तबीयत में होता है या उसकी नेचर में ये चीज है कि वो क्या करे, वो हर वक्त जो है एक चीज जिसे हम कहते हैं कि वो एक्शन में रहना पसंद करता है, उसके अंदर हरकत रहती है, ठीक है। तो ये जो सल्फाइड्स हैं ये भी हरकत में रहते हैं, इनके अंदर चूंकि जिंदगी होती है ना, मरकरी में जैसे जिंदगी होती है, वो हिलता रहता है, इसी तरह से ये भी जिंदा लोग होते हैं। इन दिस ब्रोमाइडिक वर्ल्ड, इस ब्रोमाइडिक वर्ल्ड के अंदर ये जो सल्फाइड्स हैं ये मरकरी के ड्रॉप्स की तरह आते हैं, राइट। अननोन, बिल्कुल उनका कोई पता नहीं चलता। अनसस्पेक्टेड, उन पे कोई शक भी नहीं होता। ग्रुप्स ऑफ देम, और उनके जो ये ग्रुप्स हैं जो कि अननोन होते हैं, अनसस्पेक्टेड ग्रुप्स होते हैं, आर स्कैटर्ड ओवर द अर्थ, इस पूरी जमीन के ऊपर उनके ग्रुप्स जो हैं वो फैले हुए हैं, राइट। लेकिन उनको डिस्कवर करना पड़ता है, ये छुपे हुए लोग होते हैं, एंड वी नेवर नो, और हमें कभी पता ही नहीं चलता वेयर वी आर गोइंग टू मीट देम, कि हम उन्हें कहाँ मिल लेंगे। लाइक फायर फ्लाइज, ऐसे जैसे कि फायर फ्लाइज मिलती हैं ये जुगनू इन समर के अंदर, लाइक अमेरिकन, जैसे कि अमेरिकन होते हैं यूरोप में, राइट। ये क्या मतलब है इसका, ये इक्का दुक्का अमेरिकन जो है वो यूरोप में, वो यूरोप को बल्कि पसंद नहीं करते, और इस तरह से इनका आपस में बहुत टग ऑफ वॉर है यूरोप का और अमेरिका का, इसीलिए इनकी इंग्लिश भी आप देखते हैं ना, इंग्लिश कितनी वो मुख्तलिफ है और बहुत ज़्यादा बाज का क्लैश हो जाता है। तो अमेरिकन बहुत कम आपको यूरोप में नजर आएंगे, राइट। तो यूरोपियन हो सकते हैं अमेरिका में आपको नजर आए, लेकिन अमेरिकन जो है वो कम नजर आते हैं यूरोप में, दे डोंट लाइक द ब्रोमाइड, कहते हैं इसी तरह से जिस तरह से इक्का दुक्का आपको अमेरिकन नजर आएंगे ना, या समर में आपको फायर फ्लाइज जो है वो नजर आएंगे, कभी कभी अचानक कहीं से मिल जाते हैं, तो ऐसे ही ये होता है, ये सल्फाइड्स मिलते हैं अचानक। द ब्रोमाइड वी हैव ऑलवेज विद अस, ब्रोमाइड जो है वो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, प्रेडिकेटिंग द ऑब्वियस, जो कि आम खुली सी बात जो है उसको प्रेडिकेट कर रहे होते हैं, इंडिकेट ये पेशीन को ही करना। द सल्फाइड अपीयर्स अनकॉल्ड, ये सल्फाइड्स जो हैं ये बिल्कुल अनकॉल्ड, बिन बुलाए ये आते हैं, इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद से आ जाते हैं, क्योंकि इनका काम इस तरह का है। लेकिन जो भी काम ये करेंगे वो हैरान कन होता है। बट यू मस्ट नॉट जम्प टू द कंक्लूजन, लेकिन आपको इस बात पे नहीं कंक्लूजन कर लेना चाहिए दैट ऑल सल्फाइड्स आर अग्रीएबल कंपनी, के ये जितने भी सल्फाइड्स हैं ये सारे बड़ी अच्छी कोई कंपनी होते हैं, कहते हैं ये इस बात पे ना पहुंचे, दिस इज नो क्लासिफिकेशन, ये ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। एज ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल पीपल, इनके दरमियान में डिजायरेबल या अनडिजायरेबल जो की कैटेगरी या क्लासिफिकेशन है वो ऐसी कोई नहीं है, ये ज्यादातर कोई बहुत अच्छी कंपनी उस तरह से फील नहीं होते। डजंट मीन कि ये बुरे लोग होते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं कि लोगों में एक हरकत पैदा करते हैं, उनमें जिंदगी पैदा करते हैं। अगर कोई बैठा हुआ आराम कर रहा है तो उनके अंदर उसे काम करने पे उकसाते हैं, तो वो फिर हर लोगों को बुरे ही लगते हैं, इसलिए वो कहते हैं अग्रीएबल कंपनी नहीं होती है। द सल्फाइड फ्रॉम हिज वेरी नेचर, सल्फाइड जो है अपनी जो फितरत है उसकी, उसके लिहाज से मस्ट कंटिन्यूअली सरप्राइज यू, वो आपको मुसलसल सरप्राइज देता रहता है, बाय एन अनएक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, अपने गैर मुतवक काम की वजह से आपको वो हैरान करता रहता है। ही मस्ट एक्सप्लोड, एक्सप्लोड वो बिल्कुल फटता है, यू नेवर नो, आपको कभी पता नहीं चलता व्हाट ही विल से आर डू, कि वो क्या कहेगा या करेगा। ही इज ऑलवेज सेल्फ ट्रिक, वो हमेशा ही सेल्फ ट्रिक होता है, बट एज ऑफन इम्पॉसिबल, और बल्कि ये होता ही नामुमकिन है कि वो सल्फाइड ना हो अपने कामों में और अपने थिंकिंग में। ही विल नॉट बोर यू, वो आपको बोर नहीं करेगा, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो आपको घिसी पिटी बातों से बोर नहीं करता। यू सॉरी बट ही मे शॉक यू, हाँ आपको बोर तो नहीं करेगा लेकिन आपको
शॉक जरूर देगा, आपको झटके लगाएगा, हैरत के झटके। यू फाइंड योर सेल्फ वॉचिंग, आप अपने आप को देखेंगे क्या चीज करते हुए के वॉचिंग हिम, उसको करते हुए देखेंगे टू सी व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, कि नेक्स्ट जो है वो क्या होता है। एंड इट्स मे बी अ सटल जेस्ट, हो सकता है कोई एक बड़ा ही बड़ा हल्का फुल्का कोई जोक हो, जेस्ट लतीफे को कहते हैं, अ पैराडॉक्स या कोई पैराडॉक्स हो। पैराडॉक्स होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो अपेरेंटली तो गलत हो लेकिन इनवर्डली ठीक हो, समझ लगी ना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके दो मीनिंग हो, या तो वो अपेरेंटली ठीक होगी और इनवर्डली जो है वो गलत होगी, या वाइस वर्सा हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, राइट, ये एक पैराडॉक्स है कि ऊपर वाला मीनिंग इसका क्या है, कुछ और है, अंदर वाला मीनिंग और है। तो सही बात जो है वो किस तरह से है कि दोनों ही आपस में वो मुखालफ हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन अगर आप उसे गौर से देखें तो वो बात जो है वो इसके अंदर जो मीनिंग है वो सही है। और लेकिन अगर आप थोड़ा सा और गौर करेंगे तो आप लगेगा कि बाहर वाली बात ठीक है, अंदर वाली गलत है। तो इस तरह से ये पैराडॉक्स जो है इट हैज़ सम डबल मीनिंग, और एन एट्रोसिस वायलेशन ऑफ एटिकेट, या वो एटिकेट्स जो आमतौर से तहजीब वगैरह और ये बड़े मैनर्स जो हैं उनकी वायलेशन, बड़ी जालमाना किस्म की वायलेशन करते हुए आप उसको देखेंगे। इस तरह वो क्या होते हैं ये वायलेशन वगैरह और इस तरह के चीज़ें, इसलिए वो करते हैं कि उन्होंने मुआशरे के जो लगे बंदे काम है और लगे बंदे जो रूटीन है उससे वो अलग से चलते हैं। ये उनकी जो नेचर के अंदर ये चीज़ होती है कि वो रूटीन से हट के उनका चलना जो है वो उनकी फितरत में है। ऑल क्रैंक्स, सारे ये जो हम पागल कहते हैं आम पंजाबी में कहते हैं ना क्रैक, ऑल रिफॉर्मर्स, सारे जो इसलाह करने वाले हैं, एंड मोस्ट आर्टिस्ट, और ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं ये फनकार जो लोग हैं, आर सेल्फिटिक, वो सेल्फिटिक होते हैं। द इनसेन एजलम्स आर फुल ऑफ सल्फाइड्स, ये जो पागलखाने हैं ना ये सारे सल्फाइड से भरे हुए हैं। वो पागलखाने में लोग क्यों पहुँचते हैं कि वो आम लोगों से अगेंस्ट जाते हैं, वो उनके जो काम हैं वो आम लोगों जैसे होते नहीं, कॉमन प्लेस लोग होते नहीं वो। दे नॉट ओनली डू ऑर्डनरी थिंग्स, वो ना सिर्फ आम सी जो चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं इन अनयूजुअल वे, एक गैर मामूली तरीके से करते हैं, बट दे डू अनयूजुअल थिंग्स, बल्कि वो गैर मामूली जो चीज़ें हैं उनको इन ऑर्डनरी वेज, वो आम तरीकों से करते हैं, यानी उनके लिए इतना मुश्किल होता ही नहीं। बड़ी मुश्किल जो चीज़ें हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनयूजुअल जो हैं उनको वो बड़े आराम से यूजुअल तरीके से काम बिल्कुल ईजीली कर लेते हैं। वॉट इज़ मोर इंटेंसली सेल्फिटिक, जो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद तौर पर सेल्फिटिक है, दैन वेन यू हैव सेड योर फेयरवेल्स, जब आप अलविदा कह देते हैं, ठीक है, तो इस सब चीज़ से जो पीछे हुई हैं, जो ज़्यादा सेल्फिटिक जो है वो क्या है, टू गो इमीडिएटली, तो वो फ़ौरन चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि उनको अलविदा कह के कोई बंदा तो फिर आगे और बातें शुरू कर देते हैं हम लोग ना, तो ये लोग ऐसे नहीं होते, बल्कि ये फ़ौरन जो है वो जब उन्होंने गुड नाइट कहा है, फेयरवेल कहा है, बाय कहा है, तो उसके बाद जो है वो उधर वो रुकते नहीं, बल्कि वो फिर फ़ौरन जो है उस आप इससे रुखसत हो जाएंगे। और एज यू स्विम, या ये कि आप जब तैरते हैं आउट, सॉरी, एज यू स्विम आउट, जब आप तैरते हुए बाहर आते हैं, टू रेस्क्यू अ ड्राइंग गर्ल, किसी डूबती हुई लड़की को जो है आप स्विम करके बाहर आते हैं, तो पता क्या होता है, टू कीप योर पाइप बर्निंग, आपका पाइप जो है वो भी चल रहा हो ऑल द वाइल, इस सारे अरसे में, कहता है ये बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा सेल्फिटिक है। दे डू नॉट अटेम्प्ट टू एंटरटेन यू, वो आपको एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करते, बट लेट्स यू चूज, बल्कि आपके ऊपर छोड़ देते हैं योर ओन पास टाइम, कि आप अपनी जो तफरी है उसको आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं। व्हेन दे प्रेजेंट अ गिफ्ट, जब वो एक गिफ्ट जो है वो पेश करते हैं, इट हैज़ ईदर राइम और रीजन टू इट, तो उसके अंदर कोई ना कोई वजह जरूर होती है। राइम कहते हैं सुर को,
उसके अंदर की ब्यूटी होगी, राइट। जो आपको तोहफा देंगे उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, कोई लेसन हो जाएगा और रीजन या उसके पीछे की वजह होगी। देयर लेटर्स आर नॉट पास्ड अबाउट टू बी रेड बाय द फैमिली, उनके लेटर्स जो हैं वो इस काबिल नहीं होते कि फैमिली के आगे पास किए जाए कि वो उनको पढ़े। देयर लेटर, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट जो नीचे वाली लाइन है, हैमलेट वाज अ सेल्फाइट, हैमलेट जो है वो सेल्फाइट था। ये हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि हैमलेट जो है, ये सारे कैरेक्टर्स के आगे भी कैरेक्टर्स आएंगे, तो जो हैमलेट है ये शेक्सपियर का एक प्ले है, हैमलेट ही उसका नाम है, तो उसका ये हीरो है, पढ़ा लिखा आदमी था, तो उसे सेल्फाइट उसने कहा है। प्लोनियस जो है अब प्लोनियस जो है वो बर्माइट था, ये भी उसका कैरेक्टर है और ये विलन है असल में। बैकी शॉप वाज सेल्फिटिक, ये भी कैरेक्टर है, वो सेल्फिटिक थी। एमिलिया सैडली जो है वो बेमेडिक थी। सो वी माइट फॉलो द लाइन ऑफ क्लीवेज, चुनाचे हम जो लाइन है ना क्लीवेज की, ये क्लीवेज क्या होता है, जो दरमियान में किसी दो चीज़ों के दरमियान में पार्टीशन होती है उसको कहते हैं, तो वो जो क्लीवेज है उसको देख सकते हैं बिटवीन द टू ग्रुप्स इन आर्ट। आर्ट के अंदर जो दो ग्रुप हैं उनको, जो रिलीजन जो है उसके अंदर एंड पॉलिटिक्स, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, इनके अंदर हम इन लोगों को हम देख सकते हैं। कंपेयर फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे ये आप कंपेयर कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं कि इसको प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट विद हिज प्रेडिसेसर इन ऑफिस, ये जो प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट था उसका अपने उससे पहले आए हुए जो प्रेसिडेंट है उससे, द अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को है, एक बंदा गैर मुतवक्को है, वर्सेस द सिंडिकेट थर्मामीटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और दूसरा जो है वो पब्लिक ओपिनियन का नुमाइंदा है। कंपेयर बर्नार्ड शॉ, बर्नार्ड शॉ जो है उसको कंपेयर कर लें विद मैरी कोरिली, मैरी कोरिली के साथ ये दोनों राइटर हैं, आपको याद है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की हमने बात की थी। वन वुड स्वियर, एक बंदा जो है ये वो कसम खा सकता है, दैट देयर वेरी ब्रेन्स वर वेरी ब्रेन्स वर डिफरेंटली कलर्ड, कि उन सब के, ये जो दोनों हैं इनके दिमाग जो हैं वो मुख्तलिफ कलर के बने हुए हैं। देयर एपिगेम्स, उनके जरबल मिसालें जो हैं, एम्पलीट्यूड्स और आम उनके जो बातें हैं, आम जो फिकरात हैं, आर मेयरली द सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ थॉट, वो आम मुख्तलिफ जो सोच के दिमाग हैं उनकी सिम्टम्स हैं, यानी इनके ये जरबल मिसाल और दूसरे जो फिक्रे हैं वो दो मुख्तलिफ दिमाग जो हैं उनके जाहिर करते हैं उनको। वन नीड नॉट कंसल्ट वन्स प्रेजुडिस, किसी बंदे को अपनी प्रेजुडिस जो है, जो तासुब है, उससे मदद नहीं लेनी पड़ती, या अफेक्शन से या मोहब्बत से, आर्टेस्ट या टेस्ट से। द सेल्फिटिक थेरी जो है एक्सप्लेन विदाउट इधर कंडेमनिंग और अप्रूविंग, ये सेल्फिटिक जो थेरी है ये बगैर किसी, द सेल्फिटिक थेरी explains without either condemning or approving, ये थेरी बगैर किसी को कंडेम किए या अप्रूव किए जो है वो एक्सप्लेन करती है अपने आप को। द लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स, लेपर्ड जो है, चीता जो है, वो अपने स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह से ये जो सेल्फाइड्स हैं ये भी ऐसे ही होते हैं, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं या इनकी जो पर्सनैलिटी के ऊपर जो टैग्स हैं वो आप कभी भी हटा नहीं सकते, ना ही वो हटा सकते हैं। बट इफ, नेक्स्ट देखते हैं जरा पैराग्राफ, बट इफ अलॉन्ग विद दीज कंट्रास्ट, इन सब कंट्रास्ट के साथ, अगर हम वी टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें किसकी, लुइस कैरल की, एज अपोज टू डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन के अगेंस्ट अगर हम ये लें एग्जाम्पल, वी आर ब्रॉट अप अगेंस्ट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकंसिस्टेंसी, तो हम एक गैर मामूली इनकंसिस्टेंसी, गैर मुशाबहत जो है उसको एक दूसरे के सामने खड़े कर देते हैं, यानी ये दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इट इज़ हाउएवर ओनली एन अपेरेंट पैराडॉक्स, ये बहरहाल एक ज़ाहरी तौर पे पैराडॉक्स है, बीनीथ इट, जिसके अंदर नीचे लाइज अ वाइटल प्रिंसिपल, जिसके अंदर एक बड़ा ही ज़रूरी असूल जो है वो कार फरमा है, वो क्या है, डॉक्टर जॉनसन वॉज हिमसेल्फ अ सल्फाइट ऑफ द सल्फाइट्स, डॉक्टर जॉनसन बजाते खुद जो है वो बहुत बड़े जो सल्फाइड्स हैं उनके भी सल्फाइड थे, जैसे हम किंग ऑफ किंग्स कहते हैं, बादशाहों के बादशाह, ऐसे ही सल्फाइटों के सल्फाइड थे वो। बट नाउ इंटेंसली ब्रोमेडिक, बट हाउ इंटेंसली ब्रोमेडिक, लेकिन कितने ज़्यादा ब्रोमेडिक
थी वर हिज राइटिंग उसकी तहरीरें वन यौन शुड थिंक ऑफ देम उनके बारे में सोचते ही बंदे को जुमाई आ जाती है यौन जुमाई लेने को कहते हैं एज फॉर लेविस कैरल जितनी लेविस कैरल की बात है इन हिज क्लासिक नॉनसेंस अपने बहुत खूबसूरत नॉनसेंस जो उसने लिखी है फजूलियात सो सेल्फिटिक वो बहुत ज़्यादा सेल्फिटिक है एज ऑफन टू बी एक्यूज बाई ब्रोमाइड्स और इतनी ज़्यादा कि बाज़कात उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है ब्रोमाइड होने का ऑफ हैविंग अ सीक्रेट मीनिंग कि इसके अंदर एक सीक्रेट मीनिंग है जो कि ब्रोमाइडिक है हिज प्राइवेट लाइफ उसकी अपनी जाती जिंदगी जो थी वॉज दैट ऑफ अ ब्रोमाइड वो एक ब्रोमाइड की थी रीड हिज बायोग्राफी उसकी बायोग्राफी को पढ़िए एंड लर्न द टेरर्स ऑफ हिज फॉर्मल सेट एंटरटेनमेंट्स टू द लिटिल गर्ल्स तो उसके जो खौफ व हरास हैं वो ज़रा और एंटरटेनमेंट्स जो हैं उनको ज़रा पढ़िए उन छोटी बच्चियों के साथ होम ही पैट्रनाइज जिनको कि वो पैट्रनाइज करता था जिनकी वो सरपरस्ती करता था दे न्यू वो बच्चियाँ जानती थी व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ हिम कि उससे क्या तोको की जा सकती है एंड ही नेवर हाउएवर एग्रीएबली डिसअपॉइंटेड देम और उन बच्चियों को उसने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया था मायूस नहीं किया था जैसे वो सोचती थी वैसे ही वो था नाउ अनफॉर्चुनेटली सेल्फाइड डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस सेल्फिटिक आर्ट अब बहरहाल बदकिस्मती से एक सेल्फाइड जो है वो हमेशा सेल्फिटिक आर्ट ही प्रोड्यूस नहीं करता हाउ मेनी राइटर्स वी नो हु आर मोर इंटरेस्टिंग देन दे वर्क कितने राइटर्स हैं जो कि अपनी तहरीरों से ज़्यादा क्या है इंटरेस्टिंग हैं हाउ मैनी हु आर इंटेंसली लेस सो और कितने लोग ऐसे हैं जो कि इससे कहीं कम हैं जो प्रोफेशनल ह्यूमरिस्ट आपका जो प्रोफेशनल ह्यूमरिस्ट है जो पेशेवर लिखने वाला जो ह्यूमर लिखने वाला है जो मजाक नगार है वो क्या है वो इज यूजली अ डल वो आम तौर से एक डल सा इंसान होता है मेलंकली फेलो एक गमजदा इंसान इन हिज प्राइवेट लाइफ अपनी जाती जिंदगी में एंड अ क्लर्जी मैन मे प्रीच इन्फेंट डेमनेशन ऐसे जैसे एक जो पादरी है वो बच्चों को डेमनेशन दो हजार इसकी ये प्रीच करेगा मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होगा एंड वी आर मैरी फादर लेकिन एक बहुत ही खुशबाश बाप होगा एट होम घर में कहता है इस तरह से भी होता है कि बंदे की तहरीर जो है वो कुछ और उसकी पर्सनैलिटी कुछ और हो ऐसे ही जैसे एक राइटर की बात है और आम तौर से ये है कि कोई बंदा जो है उसकी अपनी गुफ्तगू जो है वो सेल्फिटिक हो लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ब्रोमेडिक हो या इसके बिल्कुल उलट भी मेरा ख्याल आपको बात समझ लग रही है थोड़ा लंबा हो गया ना इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से बोल रहा था कि मैं इसे जिन्होंने टाइम जो है वो फिनिश कर दूँ खुदा हाफिज़ अस्सलामु अलैकुम।